हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज रात 12 बजे या तो आप किसी केक को काट चुके हैं या फिर आज शाम को किसी केक को काटने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और हो भी क्यों ना, केक होते ही इतने लजीज हैं। हमारी हर छोटी बड़ी खुशी में केक शामिल होते हैं, चाहे किसी का बर्थडे है, चाहे किसी की वेडिंग है, किसी का वेलकम है, किसी की फेयरवेल है, कोई भी छोटी मोटी खुशी है तो केक हाजिर है। लेकिन जब भी हम लोग उस केक को काटते हैं ना, तो उस केक को काटते वक्त, बनाते वक्त या खाते वक्त हमारे मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि जब केक को पहली बार बनाया गया होगा तो किसने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा और वो केक दिखता कैसे होगा। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बर्थडे पर केक को काटने का रिवाज कहाँ से शुरू हो गया? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम लोग जानने वाले हैं केक का इतिहास और बर्थडे पर हमने केक काटने का रिवाज कैसे शुरू किया। शुरुआती दौर के केक फ्लैट हुआ करते थे, इतने फ्लफी नहीं थे, ब्रेड की तरह दिखते थे और इतने सॉफ्ट टेक्सचर के भी नहीं हुआ करते थे। और हाँ, जिन्हें हम आज केक कहते हैं, इस केक शब्द का ओरिजिन है एक नॉर्स वर्ड काका। काका, 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 नहीं, काका। और केक्स को सबसे पहले बनाने का श्रेय जाता है हमारे इजिप्शियंस को। उसके बाद आते हैं हमारे चीज केक जो सबसे पहले बनाए थे ग्रीक्स ने, और फ्रूट केक्स जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, हमें बहुत डिलीशियस लगते हैं, उन्हें बनाने का श्रेय जाता है हमारे रोमन्स को। और फ्रूट केक बनाने के लिए शुरुआती दौर में कुछ एक फ्रूट्स, नट्स और कुछ फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया जाता था। और जो हमारी मॉडर्न डे केक है ना, इन्हें बनाने के लिए भी हमारे यूरोपियंस का बहुत बड़ा हाथ है। मिड 17th सेंचुरी तक यूरोप में टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी थी और वहां पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े और ज्यादा अवेलेबल होने लगे थे। हालांकि वो उस टाइम तक भी काफी महंगे हुआ करते थे, लेकिन फिर भी ये केक्स जो हैं काफी लोगों में पॉपुलर हो गए थे। और केक्स को गोल शेप देने के लिए उस टाइम पर हूप्स का यूज किया जाता था, और ये हूप्स हमारे मेटल या फिर वुड के बने होते थे। इन हूप्स को हम लोग फ्लैट ट्रे के ऊपर रखते थे और उसके अंदर केक्स का जो मटेरियल है, जो हमने बैटर तैयार किया है, उसे डालते थे और उसे ओवन के अंदर डाल देते थे। ये तो थे हमारे केक, लेकिन आइसिंग का क्या करते थे वो लोग? आज हमारे पास ढेर सारे क्रीम्स के ऑप्शन हैं। हम दुकान में जाते हैं, हम कहते हैं भैया हमें केक के ऊपर आइसिंग करनी है, कोई क्रीम दे दो, तो हमें ढेर सारी वैरायटी मिल जाती है। लेकिन उस टाइम पर केक के ऊपर आइसिंग कुछ अजीबोगरीब तरीके से की जाती थी। एक मिक्सचर बनाया जाता था एग वाइट, फाइन शुगर और कुछ फ्लेवर्स का, और इस मिक्सचर को वो उन बने हुए केक्स के ऊपर डालते थे, फिर से उसको अवन के अंदर थोड़ी देर डालते थे, और जब उसे बाहर निकालते थे तो ये जो मिक्सचर है ठंडा होने के बाद थोड़ी सी हार्ड और ग्लॉसी कवरिंग हमारे केक को देता था। फिर आती है हमारी 19th सेंचुरी, जब हम लोगों ने केक में ईस्ट की जगह बेकिंग पाउडर का यूज करना शुरू कर दिया। जी हाँ, उससे पहले हम लोग बेकिंग पाउडर नहीं, केक बनाने के लिए हम लोग ईस्ट का यूज किया करते थे। अब क्योंकि हम लोगों ने बेकिंग पाउडर यूज करना शुरू कर दिया था, तो हमारे केक और भी अच्छे से फूलने लगे थे और भी ज्यादा लाइट वेट होने लगे थे। और आइसिंग के लिए भी जो हम पहले अजीबो गरीब मिक्सचर यूज किया करते थे, उसकी जगह हम लोग बटर क्रीम यूज करना शुरू कर चुके थे। मतलब बटर प्लस क्रीम प्लस शुगर प्लस सम फ्लेवर। और हाँ, 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर में अब भी केक सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स अभी भी काफी महंगे थे। तो हम लोग सोच सकते हैं कि जिन लोगों के लिए केक बनाया जाता होगा, जिन्हें केक प्रेजेंट किया जाता होगा, वो कितना ऑनर्ड और कितना प्लीजेंट फील करते होंगे। उसके बाद होता है हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लोगों को इंग्रेडिएंट्स रेडिली अवेलेबल होने लगे, इंग्रेडिएंट्स के प्राइस कम हो गए, दूसरी तरफ हमारे जो ओवन्स हैं वो भी और मॉडिफाई हो गए, अच्छी क्वालिटी के हो गए, जिनमें टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन किया जा सकता था, उन्हें अच्छे से हैंडल किया जा सकता था। इन सब चीजों के होने की वजह से केक
और भी ज्यादा लोगों में पॉपुलर हो गए और धीरे धीरे अब ये हमारी कॉमन लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, केक्स एंड पेस्ट्रीज। दोस्तों ये तो थी हमारे केक्स की कहानी, लेकिन बर्थडे में केक काटने का रिवाज कहां से शुरू हुआ? तो ऐसा माना जाता है कि ग्रीस के लोगों में अपने भगवान का जन्मदिन मनाने का रिवाज था। वो लोग केक बनाया करते थे और अपने भगवान के सम्मान में भगवान को चढ़ाया करते थे। ये जो गोल केक हुआ करते थे वो चंद्रमा का प्रतीक माने जाते थे और उसके ऊपर वो जो कैंडल लगाते थे, कैंडल की लाइट चंद्रमा की रोशनी का सिंबल माना जाता था। और उसके बाद ये माना जाता है कि जर्मनी के लोगों ने अपने बच्चों के जन्मदिन में, जिसे वो किंडरफेस्ट कहते थे, उसमें केक काटने की शुरुआत की। केक्स पर वो लोग दो कैंडल लगाया करते थे, एक जन्मदिन के साल की और दूसरी आने वाले जिंदगी के लिए। और आजकल हम लोग केक्स में कैंडल जल्दी से लगाते हैं, जलाते हैं और बुझा देते हैं, लेकिन उस टाइम पर वो लोग ऐसा नहीं करते थे। वो पूरा दिन सुबह से एक कैंडल जला कर रखते थे, जब वो कैंडल बुझ जाती थी तो उससे दूसरी कैंडल से रिप्लेस कर देते थे, और जब शाम के समय खाने के बाद या फिर इवनिंग टाइम में जब वो केक काटते थे तो बच्चा अपनी विश मांगता था और मोमबत्ती बुझाता था। माना जाता था कि उस बच्चे ने जो विश मांगी है वो उस कैंडल के धुएं के साथ हेवन चली जाएगी और उस बच्चे की विश पूरी हो जाएगी। वो उस कैंडल के धुएं के साथ हेवन चली जाएगी और उस बच्चे की विश पूरी हो जाएगी। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि पुराने समय में कुछ एक सिविलाइजेशंस अपने भगवान के लिए केक बनाया करती थी, और जो केक की गोलाकार शेप है, जो गोल शेप है केक की, वो जीवन के चक्र को दर्शाती थी। शायद इसीलिए जन्मदिन के दिन केक को सर्व करने का रिवाज शुरू हो गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको केक की कहानी पसंद आई होगी, और केक की कहानी सुनाते सुनाते जिस तरह से मेरी जीभ लपलपा रही है, वैसे ही कहानी सुनते सुनते आपकी जीभ भी लपलपा रही होगी। विशिंग यू ऑल अ हैप्पी वंडरफुल एंड स्वीट न्यू ईयर अहेड लाइक अ स्वीट केक। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। I'll meet you in my next video. Till then, bye-bye.